हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ रही है देश की यूथ, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें बताएंगे क्या है उनके व्यूज इस हमले को लेकर, कितना आक्रोश है इस वक्त इन बच्चों में। बिल्कुल, जैसा कि कल आप लोगों ने सबने देखा कि किस बेरहमी के साथ पूरे एक ट्रक को जो कि सिपाहियों से भरा हुआ था उसको एक फिदायीन ने भेंट चढ़ा दिया, वो बिल्कुल नस्तनाबूद कर दिया। आप हेमराज के सर काटने से लेकर उरी हमले में सोते सिपाहियों की जान लेने तक देखें तो ये अब तक का सबसे निंदनीय और सबसे भत्सनीय कृत्य है जो हम सब लोग इस चीज़ की बहुत भत्सना करते हैं। या तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को समझाए, या तो उन आतंकवादी संस्थानों पे बैन लगाए पूरी तरह से, नहीं तो भारत सरकार को फिर और दूसरे कदम लेने पड़ेंगे जो सही नहीं रहेगा। ना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अच्छा लगेगा, ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा। तो ये बात क्लियर कर दे, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस चीज़ को संज्ञान में ले कि ये अब सही नहीं है, ये अब ये हद से बाहर हो गया है। जैसे कि अभी जो बैठक हुई वहाँ पर ये अभी मोदी सरकार के थ्रू ये बयान आया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को फुल फ्रीडम दे दी गई है, जो वो चाहें वो कर सकते हैं ताकि इसका बदला लिया जा सके। और साथ ही एक बड़ा जो अभी खबर आई है वो ये है कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन के खिताब से हटा लिया गया है, इस पर आप लोग का क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक मोस्ट फेवर्ड नेशन का सवाल है वहाँ तक तो ये हटाना इतना ज़्यादा ऐसा जो रिटेलिएशन ज़रूरी है उस रिटेलिएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लॉ तक तो ठीक है, लेकिन जस्टिस का क्या? जो मरे हैं उनके लिए जस्टिस का क्या? तो इसलिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि हम लोगों को एक मैसेज देना चाहिए इंटरनेशनली दैट वी आर यू नो कि हमको करना ही है और हम करेंगे। और दूसरी बात ये कि इंटरनली इंडिया इंडियन गवर्नमेंट को जैसे लाइक फंडिंग रिसोर्सेज और जो फंडिंग हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा और कानून को सख्त करना पड़ेगा और इंटरनेशनली भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान का इलाज क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर ही सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है यहाँ पर, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर एक हमले के बाद दूसरे हमले का वापस जवाब देना, ये तो फिर कब हम पिछले 3 दशकों से देख ही रहे हैं ये। तुम्हें आप बताइए आपके हिसाब से पाकिस्तान का इलाज क्या है? पाकिस्तान का इलाज ये है कि पाकिस्तान को उसी के जवाब में जवाब देना चाहिए। अब ये टाइम नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहें और हम सिर्फ अपने जवानों को खोते रहें। आज भी अगर हम युद्ध में जाते हैं तो भी हम उनसे कई गुना आगे हैं। अगर पाकिस्तान ये सोचता है और पाकिस्तान फिर से उनका झूठ जो ये फैलाते हैं कि मतलब हम टेररिस्ट को फंडिंग नहीं करते हैं, तो ये हमेशा से एक्सपोज हुआ है और इस बार फिर से एक्सपोज हुआ है। ये देखना ये है कि आखिर ये सरकार इस अटैक के लिए क्या करती है और आखिर इसका बदला किस तरह से भारत की सरकार लेने पर उतर आएगी।